वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेविग्नी की वॉल्किस थ्योरी। ये वॉल्किस थ्योरी है क्या? स्टार्ट करते हैं सेविग्नी के इंट्रोडक्शन से। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। ये किस स्कूल के फाउंडर थे? हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर थे। हिस्टोरिकल स्कूल से ये बिलोंग करते थे। कौन? सेविग्नी। ही वॉज बोर्न एट फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था किस जगह? फ्रैंकफर्ट में। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ सिविल लॉ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मार्कबर्ग। ये प्रोफेसर भी थे किसके? सिविल लॉ के। किस यूनिवर्सिटी में? मार्कबर्ग में। ही वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस इन पर्सिया। ही पब्लिश लॉ ऑफ पोजेशन इन 1803। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, नाम क्या था? लॉ ऑफ पोजेशन इन 1803, विच इज सेड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविग्नी हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। ये कहते हैं जिस टाइम इन्होंने बुक्स पब्लिश करी गई थी, कौन सी बुक थी उस नाम में याद रखना, लॉ ऑफ पोजिशन 1803। तो ये कहते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था हिस्टोरिकल स्कूल की जर्नी का, हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस की जर्नी का। किनका? सेविग्नी का। कम टू द थ्योरी। थ्योरी ऑफ वॉल्किस कहते थे। ये वर्ड क्या है? वॉक्स गुज। ये क्या है? वॉक्स मीन्स पीपल एंड गुज मीन्स कॉमन विल। तो ये थ्योरी किस पे डिपेंड करती है? कॉमन विल पे, मतलब कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। मतलब कॉमन पीपल्स क्या विल है उनकी, सभी की क्या इच्छा है, ये उस पर डिपेंड करती है। जैसे भाई हमें भी कुछ चीज सी होती है, सामने वाले भी कुछ चाहिए, तो कॉमनली जो विल है पीपल्स की, जो विल है कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल पे क्या करती है? ये थ्योरी डिपेंड करती है। तो इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना वॉक्स विल पीपल एंड दिस विल कॉमन विल। वॉल्किस का कॉमन विल ऑफ द पीपल, कॉमन विल पे जो डिपेंड करती है थ्योरी, वो कौन सी थ्योरी? वॉल्किस थ्योरी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सेविग्नी के द्वारा। सेविग्नी कौन है? फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। कहां उनका जन्म हुआ था? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। कौन थे? प्रोफेसर थे सिविल लॉ के। किस यूनिवर्सिटी में? मार्कबर्ग में। और क्या थे? मिनिस्टर ऑफ जस्टिस में अपॉइंट करे गए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी लॉ ऑफ पोजिशन 1803, और यही क्या था? इनका स्टार्टिंग पॉइंट था सेविग्नी का हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इस थ्योरी को और पढ़ते हैं। सेविग्नी सेंट्रल आइडिया वाज द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ द पीपल। इट डजंट कम फ्रॉम द डेलिबरेट लेजिस्लेशन बट अराइजेस एज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन। इन्होंने कहा, इनकी थ्योरी ने कहा कि जो भी एक लॉ है, लॉ किस पे डिपेंड करता है? लॉ कैसे अराइज होता है? लॉ कैसा होना चाहिए, किस पे डिपेंड होना चाहिए? कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन पे, मतलब कॉमन विल पे। क्या लोग चाहते हैं? लॉ ऐसा होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इसके क्रिटिज्म में भी वैसे इलेबोरेट करके समझाऊंगा और अच्छी तरह से। भाई हम सब क्या चीज चाहते हैं, मतलब सोसाइटी क्या चाहती है, मतलब कॉमन की लोगों की विल क्या, मतलब लोग क्या चाहते हैं, कैसा लॉ होना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता था कि कॉमन विल ऑफ द पीपल। लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज। इन्होंने कहा लॉ कैसे डेवलप होता है? एक लैंग्वेज की तरह डेवलप होता है। इन्होंने कहा जो उसका डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं? एक लैंग्वेज स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है ये? इन्होंने कहा है ये जो हमारा लॉ है कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे कंटिन्यूस प्रोसेस है भैया? कॉमन विल ऑफ द पीपल। ठीक है, ऑल वी नो दैट कि जो हमारा एनवायरमेंट है डायनेमिक है, तो अकॉर्डिंग हमारे जो एनवायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो लोगों की नीड्स या विल पे भी चेंजेस आएंगे, तो लोगों की जो कॉमन विल है वो भी चेंज होगी, तो फिर हमारा लॉ भी चेंज होना चाहिए। तो ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिसका डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। एंड जो ये डेवलप्स कैसे होता है? लैंग्वेज की तरह डेवलप होता है। इन्होंने अपोज करा था किसे? कोडिफिकेशन ऑफ जर्मनी लॉ। इन्होंने क्या करा था? अपोज करा था जर्मनी लॉ को। उन्होंने कहा था जो उनका जो कोडिफिकेशन है वो सही तरीके से नहीं है, और ये एडमायर थे रोमन लॉ से। ये पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपोज करा था कोडिफिकेशन ऑफ द जर्मनी लॉ एंड एडमायर थे किससे? रोमन लॉ से। इन्होंने कहा था लॉज आर द माउथपीस ऑफ द पॉपुलर विल। मतलब इन्होंने कहा था कि जो पीपल्स की विल है, जजेस है, लॉयर्स हैं, ये क्या है? एक जरिया है, एक तरीके हैं जिससे हमें, जिनके द्वारा हमें पता चलेगा कि पीपल्स क्या चाहते हैं, लोग कॉमन क्या चाहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इनका क्रिटिसिज्म क्या था? इनकंसिस्टेंट थी इनकी जो थ्योरी थी, वो क्या थी? इनकंसिस्टेंट थी। अगेंस्ट कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये लॉ के कोडिफिकेशन के अगेंस्ट थे। अगर लॉ कोडिफाइड नहीं होगा तो भाई हमें क्या पता चलेगा कि हमने ये ऑफेंस करा तो इसकी पनिशमेंट ये है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने किसी को भी थप्पड़ मारा या किसी को जान से मारा, अगर उसकी वो लॉ कोडिफाइड ही नहीं है, मतलब उसकी पनिशमेंट ही कोडिफाइड नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि इसकी पनिशमेंट ये होनी चाहिए?
पॉपुलर विल इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ. देखिए विल ही हम ये नहीं कह सकते कि सोर्स ऑफ लॉ होनी चाहिए. जैसे मैं चाहूंगा भाई कि मुझे कोई भी चीज, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बस एक क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल की तरीके से. जैसे मैं चाहता हूं कि भाई पेट्रोल का रेट 10 रुपीज पर लीटर होना चाहिए. एक चाहता है उस पर डीजल कार है, वो चाहता है डीजल का रेट 5 रुपए पर लीटर होना चाहिए. तो यार अगर हमारे हिसाब से लॉ बनने लगे, सब पीपल की विल पे ही लॉ बनने लगे, हाँ उनको एक कह सकते हैं कि हाँ उन्हें ध्यान में रखना है कि लोगों के विल के अगेंस्ट भी ना जाए लॉ, बट अगर हम उनकी कन्वीनियंस से ही लॉ बनाने लगे, उनकी ही सारी विल पे लॉ बनाने लगे, तो लॉ तो ऐसा कुछ माना ही नहीं होगा कि लोगों को तो कोई मानेगा ही नहीं फिर. भाई लोग चाहेंगे कि पनिशमेंट ना हो, लोग चाहेंगे तो ऐसे तो लॉ बनेंगे ही नहीं ना. सब लोग चाहेंगे कि यार हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या हमारे लिए ये बेनिफिट हो, या हमारे लिए ये चीज हो. तो लॉ एक तरीके से लॉ को तो हम फिर कुछ समझेंगे नहीं ना. तो इसलिए हमारा पूरा लॉ सिर्फ हमारे एक विल पे भी डिपेंड नहीं किया जा सकता. इट इज नॉट ट्रू दैट कस्टम्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन पॉपुलर विल. ऐसा नहीं है हर जगह कि जो हमारे कस्टम्स है वो हमारी विल पे ही डिपेंड करते हैं. जैसे 3 तलाक, ज्यूरिस्टिक पेसिज्म. अब ये क्या है ज्यूरिस्टिक पेसिज्म? क्या है? देखिए इनकी वजह से जो भी रिफॉर्म होने थे वो रिड्यूस्ड हो गए, जो भी चेंजेस आने थे लोगों में. अब ये कह रहे हैं इसकी विल के हिसाब से बने, उसकी विल के, जो हमारे रिफॉर्म्स थे वो इनकी वजह से, हमारे सेविग्नी की वजह से क्या होने लगे, रिड्यूस हो गए लॉ के रिफॉर्म. क्लियर? होपफुली आपको वॉल्किस थ्योरी आपको क्लियर हुई. अगर कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubham.22, लिंक डिस्क्रिप्शन में. वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू नोटिफिकेशंस. थैंक यू.